वेलकम टू इकरा एजुकेशन। दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बीकॉम सेम 6 का लेक्चर है हमारा आज का, और चैप्टर 4 के बारे में आज मैं आपको सम गिनवाने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि किस तरह से जो है कैलकुलेशन होती है, कोष्टक किस टाइप का होता है, उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था। वो देखा नहीं तो पहले उसे देख लीजिए। और आज का इस टॉपिक है बीकॉम सेम 4 मैनेजमेंट अकाउंट का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सामने एक एग्जांपल रखा हुआ है। उदाहरण है एक अलिमिटेड रुपया 1,00,000 ने कीमत है एक नवी योजना शुरू करवा मांगे छे। शुरुआतना रोकाण माटे जरूरी मूड़ी 6% डिबेंचर द्वारा मेळवानी छे। करवेरा 50% लेखे और करवाला 50% लेखे चुकवाय छे। प्रोजेक्टनું અંદાજિત આયુષ્ય 10 વર્ષ અને અન્ય વાહિતી નીચે મુજબ છે। ઓર હમે યે કોષ્ટક છોટા સા કોષ્ટક દે દિયા હુઆ હૈ। તો સબસે પહેલે આપકો ક્યા કરના હૈ કે યહાં પર ટોટલ 8 કોષ્ટક બનતે હૈ, 8 ખાને દોડતે હૈ, કભી 8 ભી બનતે હૈ ઓર કભી 10 ભી બનતે હૈ। તો અભી હા ફિલહાલ જો મેં સમ ગિનવાતા હું વો 8 લાઇન કા હૈ। તો સબસે પહેલે યહાં પર જો આતા હૈ વો વર્ષ હોતા હૈ। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है नफो। नफो कैसे मिलता है तो वेचाण माइनस वेचल मालनी पड़ता। वेचाण में से जितनी हमारी पड़ता थी उसको माइनस कर देंगे तो हमें नफो मिल जाएगा। और डिबेंचर ब्याज, डिबेंचर ब्याज हमें ब्याज का परसेंटेज दिया हुआ होता है कि कितने परसेंटेज ब्याज हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है घसारो। घसारो के लिए भी हमें कह दिया होता है कि इतना परसेंट आपको घसारो ढूंढना है। इसके बाद होता है चोखो नफो। तो चोखो नफो कैसे ढूंढना है, तो ये जो दो कॉलम है, दो कॉलम में से पहले तो 3 और 4 का गुणाकार करना है और 2 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद है करवेरा चोखा नफा ना 50%। तो करवेरा है 50% और उसके बाद का नफो भी कितना होगा 50%। और चोखी रोकड़ हाथ पर, तो सबसे पहले तो ये आपको वर्ष उतार लेना है एज इट इज़। यहाँ पर ले लेना है वर्ष, जितने वर्ष दिए उतने वर्ष उतार लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है नफो। नफो का क्या सूत्र है, विचार माइनस विचल मालनी पड़तर। तो 32,000 में से वेचल मालनी पड़तर में माइनस कर देता हूँ 15,000, तो कितना आ जाएगा 17,000 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। 17,000 मेरा यहाँ पर आ गया। इसी तरह दूसरे ईयर्स के लिए, दूसरे ईयर्स का वेचाण हमारा 32,000 हुआ था और उसकी पड़तर भी हमारी 15,000 हुई थी, तो आ गया 17,000। 32 में से 15 माइनस कर दूंगा तो 17 आ जाएगा। इसी तरह तीसरे वर्ष के लिए अगर हम देखते हैं तो तीसरे ईयर्स में हमारा वेचाण 50,000 हुआ था और उसकी पड़तर जो थी वो 20,000 थी, तो 50,000 में से मैं 20,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 30,000। इसी तरह पूरे का पूरा आपको यहाँ से पूरे का उतार लेना है। ये पूरे का पूरा आपको यहाँ से एज इट इज़ मैंने जैसी तरह बताया वैसा आपको कर लेना है। उसके बाद आता है डिबेंचर ब्याज 6%। ये 6% कहाँ पर दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमें कहा गया है जरूरी मूड़ी 6% ना डिबेंचर द्वारा मेळवानी छे। तो यहाँ पर हमारी जो मूड़ी थी वो कितने की थी, 1,00,000 की हमारी मूड़ी थी और उस पर 6% का डिबेंचर कहा गया है। तो सब पूरे के पूरे 5 ईयर्स के लिए हमें 6%, 1,00,000 के 6% आप निकालोगे तो 6,000 आएगा। तो पूरे के पूरे 5 ईयर्स में आपको 6,000 लिख देने हैं। उसके बाद आता है घसारो। देखिए कि घसारो के लिए हमें यहाँ पर 1,00,000 तो हमारी मूड़ी है और उसका अंदाजित आयुष्य कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। तो घसारा भी हम 10% के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 1,00,000 के 10% आप निकालोगे तो 10,000 आएंगे। तो सारे पूरे के पूरे 5 ईयर्स में सेम एज इट इज़ ही घसारो आएगा। अगर हमें कुछ और तरीके से घसारा ढूंढने के लिए कहा गया होता तो घटता प्रमाणनी रीत का घसारा ढूंढने की रीत अलग होती है। तो अभी हमें फ़िलहाल सादा और सिंपल घसारा कहा है तो हमने यहाँ पर सिर्फ 10,000 सब में लिख दिए। उसके बाद आता है चोखो नफो। तो चोखो नफो यहाँ पर हमें कहा है, तो चोखो नफो कैसी तरह आएगा, ये चोखो नफो जो है वो किस तरह से आएगा, तो ये 17,000 माइनस
6,000 और 10,000। 17,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे पहले, फिर 10,000 माइनस कर देंगे, तो लास्ट में बचेगा 1,000। इसी तरह ये दूसरे 17,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, फिर 10,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा चौखो जो नफो है वो यहाँ पर भी दूसरे ईयर्स का भी चौखो नफो 1,000 आएगा। और तीसरा ईयर्स में हमारा वेज 30,000 में से 6,000 और 10,000 माइनस कर देंगे, तो चौखो नफो जो तीसरा वर्ष का हुआ वो कितना हुआ, 14,000 आ गया। इसी तरह 35,000 में से 6,000 और 10,000 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा चौखो नफो, 19,000 हमारा चौखो नफो मिलेगा। उसके बाद आता है करवीरा, ठीक है। तो करवीरा हमें यहाँ पर कितना कहा हुआ है, करवीरा 50% लेख है, यहाँ पर हमें कहा है करवीरा 50% लेख है। तो करवीरा आपको 50% लेने हैं, किसके 50% लेने हैं, तो चौखो नफो जो है उसके 50% आपको लेने हैं। तो 1,000 के 50% कितने होंगे, 500 हो गए, और 14,000 के 50% 7,000, इसी तरह 19,000 के 50% कितने होंगे, 9,500, ठीक है। उसके बाद आता है करवीरा बादनो चौखो नफो, ये कौन सा नफा था, करवीरा पहला नो चौखो नफो, और जो अब है सातवें नंबर का पॉइंट है वो है करवीरा बादनो चौखो नफो। तो 1,000 में से मैं 500 को माइनस कर दूंगा, करवीरा चौखो नफो जो था उसमें से मैं करवीरा माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा करवीरा बादनो चौखो नफो, कितना है, 500 मिल गया। इसी तरह 14,000 में से ये 7,000 माइनस कर दूंगा, 7,000 मिल जाएगा, और 14 में से 7 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर भी 7 मिलेगा, और लास्ट पाँचवें साल 19,000 में से 9,500 में माइनस कर दूंगा, तो लास्ट में यहाँ पर भी 9,500 बचेगा। इसके बाद आता है मेन पॉइंट चौखो रोकड़ प्रवाह, सब चीज़ कैलकुलेट हो जाने के बाद आता है चौखो रोकड़ प्रवाह, वो कैसे ढूंढना है। तो देखिए कि हमारा जो करवीरा था, करवीरा बादुनो चौखो नफो और जितना घसारो था, ये दोनों को हमें प्लस कर देना है, करवीरा बादुनो चौखो नफो और घसारो। करवीरा बादुनो चौखो नफो, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर लिखा है करवीरा बादुनो, यहाँ पर क्या है, करवीरा पहला नो ये नफो है और ये है करवीरा बादुनो नफो। तो हमें चौखो रोकड़ प्रवाह ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, करवीरा बादुनो चौखो नफो प्लस घसारो। तो यह कितना है घसारो, 10,000 पहले साल के लिए, और उसका करवीरा कितना है, 500, करवीरा बाद का चौखो नफो 500 है, तो दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 10,500। इसी तरह 10,000 प्लस 500 तो कितना आ गया, 10,500, और 10,000 प्लस 7,000 तो 17,000। इसी तरह लास्ट में 10,000 प्लस 9,500 तो आ गया 19,500। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बहुत इजी भी था, ये पहला वीडियो है हमारा इस चैप्टर 4 के सम का। इसके पहले का मैंने सम बेसिक सम था कि किस तरह से कैलकुलेट होती है उसके बारे में मैंने बताया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इम्पोर्टेंट लगती है तो शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं।